एक मेरा सवाल ये था कि आजकल सोशल मीडिया पे अपना कुछ बड़े बड़े उलमा इकराम है जिनसे इंडिया के अहले हदीस का इस्तिफादा करते हैं, जैसे साले अल फौजान है और जी अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके ताल्लुक से उनकी वीडियो चल रही है कि वो बोल रहे हैं कि चार मसलक में से एक को जरूर आपको पकड़ना है और इसमें से आप हट नहीं सकते, मतलब ऐसे वीडियो चल रही है और भी बड़े बड़े उलमा के क्लिप चल रहे हैं। तो क्या हम जो उनसे इस्तेफादा लेते थे बड़े बड़े उलमा के कॉल से, तो फिर अभी उनकी जो ऐसी बातें आ रही है तो क्या उनसे इस्तेफादा लेना चाहिए आगे भी, उनके इनसे इल्म लेना चाहिए? देखिए, शेख साले फौजान के बारे में तो ये बात आप कर सकते हैं, लेकिन आपने जो शेख अल्बानी का नाम लिया ये बिल्कुल गलत है। इमाम अल्बानी रहमहुल्ला इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि किसी खास मजहब की इत्तबा करने की किसी को दावत दी जाए। वो इस बात के सख्त खिलाफ हैं। इस जमाने के जो उलमा हैं, मारूफ उलमा, अगर आप फेहरिस्त बनाएं जो तकलीद के खिलाफ हैं, तो इमाम अल्बानी का नाम पहले नंबर पर आएगा। आप उनका नाम कैसे ले रहे हैं? मुझे हैरानगी हो रही है, नहीं, आपने वीडियो कहाँ सुन वीडियो लिया? है सर, वीडियो है सर, एक बिल्कुल नहीं अल्बानी की सुनिए, वीडियो है। या तो आपसे समझने में कहीं गलती हुई होगी, शेख कुछ कह रहे होंगे। देखिए, बहरहाल हाँ, उसमें मैं एक सेकंड सर, हम एक सुनिए सेकंड एक सुनिए सेकंड जी। मैं बता रहा हूँ, उसमें वो शेख का वॉइस है, उसमें ऐसा है कि कोई आजाद रहता है उससे बेहतर है वो तकलीद कर ले, ऐसे कुछ मतलब अल्फाज है शेख अल्बानी तो अब रहमतुल्लाह अलैह के। ऐसे कुछ से नहीं चलता भाई साहब। देखिए, शेख अल्बानी की एक किताब है सिफतो सलात नबी, उस किताब का आप जा करके मुकदमा पढ़िए। वो पूरा मुकदमा जो है रद्द तकलीद पर है। ये जो तमजहूब है, तमजहूब के खिलाफ है। देखिए, बहरहाल उस तफसील में हम नहीं जाते, हम आपको मुख्तसर तौर से बताते हैं। जी देखिए, जी कि मजहब की तरफ निस्बत करना, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये है कि कोई अपने आप को किसी मजहब की तरफ अपनी निस्बत करे और उस मजहब से किसी भी सूरत में बाहर ना निकले। ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये हराम है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं फला मजहब को मानूंगा, मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगा कुछ भी हो जाए, ये हराम है। ये बिल्कुल किसी भी तरह से जायज नहीं है, क्योंकि कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें तमाम मसाइल, तमाम फतावा आपको सही मिले। हर जगह गलतियां मौजूद हैं। कोई दुनिया का आलिम नहीं है जो ये दावा करता हो कि मेरी हर बात सही है। इसलिए किसी का ये कहना कि मैं फला एक मजहब को मानूंगा, उससे बाहर नहीं निकलूंगा, ये हराम है, ये जायज नहीं है। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत यह है कि कोई आदमी इल्म हासिल करना चाहता है, तालिबे इल्म है, और तलबे इल्म के बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि आप जो है किसी एक मजहब के फिक्र को लेकर के अपने तलबे इल्म का सफर की सफर की इब्तिदा करें। आप पहले मान लीजिए फिक्र हनफी पढ़ना चाहते हैं या फिक्र हम्बली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप पढ़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगा। वो चाहे सही हो, गलत हो, किताब सुन्नत के मुआफिक हो, मुखालिफ हो, मैं उसी को लूंगा, ये गलत है। तो अगर कोई आदमी तमजहूब काम ये मतलब समझता है कि किसी एक मजहब के फिक्र को लेकर के मैं इल्म हासिल करूंगा, इसमें कोई इश्काल नहीं है। इसी तरह से अगर कोई आदमी अपनी सिर्फ निस्बत करता है किसी मजहब की तरफ बराए निस्बत, जैसे कोई कह रहा मैं हम्बली हूं, वो हम्बली अपने आप को इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने उसके यहाँ हम्बली मजहब के की किताबों को पढ़ाया जाता है, उसने जो इल्म हासिल किया है फिकह का, वो फिकह हम्बली से उसने इब्तदा किया है। तो सिर्फ निस्बत करना, निस्बत करने में कोई मसला नहीं है। आप अपने आप को हम्बली कहिए, हनफी कहिए, शाफी कहिए, मालिकी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है कि मैं इस मजहब से बाहर नहीं निकलूंगा, या ये गलत है। तो अगर इमाम अल्बानी या किसी भी बड़े आलिम ने अगर ऐसा कहा है कि आप मजहब को लेकर के इल्म हासिल कीजिए या मजहब की तरफ अपनी निस्बत कीजिए, तो उसका मतलब यही है। उसका मतलब ये नहीं है कि उस मजहब में जो भी बातें हैं, कुछ भी हो जाए, मैं उससे बाहर नहीं निकलूंगा, ये मतलब नहीं उसका।
जी, तो जी जी वो तो शेख साले अल फौजान के वीडियो में उन्होंने कहा है कि किसी के लिए जायज नहीं है कि इन चारों मसलक से फरार अख्तियार करे, ऐसा तो क्या करें, क्या करें हम? शेख साले फौजान ने, अगर मुझे नहीं मालूम है, कहा है उन्होंने कि नहीं, शेख इस जमाने के जो बड़े उलमा है दुनिया के, बड़े और मोतबर उलमा, उनमें उनका शुमार होता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जिसकी हर बात ली जाए जी। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी है जिसकी हर बात को हम सर आंखों पर लेंगे, और उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है। शेख साले फौजान बहुत बड़े आलिम है, कोई शक नहीं है, मोतबर आलिम है, सिका आलिम है, सलफी आलिम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम आप जो बात कर रहे हैं वो उन्होंने कहा भी है कि नहीं। सोशल मीडिया फेसबुक पे मेरे पास वो वीडियो भी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, फिर क्या करें हम, चलें तकलीद करें आप और हम मिल करके? अभी तक अपनी मस्जिदों में सुनते थे कि कोई भी हवाला देते थे तो शेख साले अल फौजान ने ऐसा कहे, शेख साले अल फौजान ने, फिर अभी उनकी वीडियो इस तरीके से आ रही है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है दिमाग में के कैसे, मतलब भाई देखिए आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी 100% बातें हर सूरत में, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप मेरी हर सूरत में हर बात लेंगे? अगर कल को मान लीजिए मुझसे कहीं पर कोई गलती हो जाए तब भी आप मेरी बात लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे ना जी, नहीं। आप मेरी वही बातें लेंगे जो किताब और सुन्नत के मुआफिक होंगी, दलील के मुआफिक होंगी, तो मेरी बात जो दलील के मुआफिक नहीं है उसको छोड़ दीजिए,